MiG-29 के ट्रेनर विमान 26 नवंबर 2020 को लगभग 5 बजे अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक पायलट मिल गया है जबकि दूसरे को सतह और आसमान के जरिए ढूंढा जा रहा है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए, ये जानकारी भारतीय नौसेना द्वारा दी गई है। नौसेना अधिकारियों के अनुसार गुरुवार शाम को 5 बजे अरब सागर में MiG-29 के प्रशिक्षक विमान समुद्र में परिचालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक पायलट मिल गया है जबकि दूसरा लापता है। नौसेना ने लापता पायलट का पता लगाने के लिए निगरानी विमान और जहाज तैनात किए हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। भारतीय नौसेना ने कहा कि कमांडर निशांत सिंह का पता लगाने के लिए खोज अभियान जारी है। वह गुरुवार शाम को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान MiG-29 में सवार थे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।